समुद्र तट पर पावन नगरी, जहां करे महाप्रभु वास। आंखें विशाल जहां को समेटे, जगत के प्रभु दयालु महान। मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराए, अनंत आशीर्वाद वहां बरसाए। हर कोने में भक्ति करंग, पूरी सजा भक्तों के संग। रथ चला भव्यता से भरा, भक्ति में हर हृदय झुका। खिंचता रथ चलते सब संग, जगन्नाथ पुरी में है उत्सव अनंत। तुम्हारी नज़र में मिलती है राह, दिन को तुमसे मिलती है चाह। हर हृदय में तुम्हारा है मान, करता सबको तू धनवान। हे जगन्नाथ तुम हो सर्वशक्तिमान, भय से परे हर स्वप्न में महान। तुम्हारी कृपा सदा बनी रहे, दुख और पीड़ा मिटती रहे। जय जगन्नाथ। फाइनली 4 रात और 3 दिन बिताने के बाद जगन्नाथ पुरी से जाने का वक्त आ चुका है। आप जब भी यहाँ आओगे तो आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, पर भारी मन से हर लोग जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पल्लव। इस वक्त मैं हूँ जगन्नाथ पुरी में और आज अपने घर वापस जा रहा हूँ। और जैसे आपने हर वीडियो में देखा होगा, हर दिन टैक्सी जो होती है वो पार्किंग में लगी रहती है, तो मैं टैक्सी तक जा रहा हूँ। अगर आपने इस पूरे सीरीज़ का पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं जगन्नाथपुरी सर्किट में, मेरा होटल है तो जो पार्किंग है वहीं तक एंट्री रहती है टैक्सीज वगैरह की। ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये रेस्टोरेंट था, यहीं पे खाना वाना खाते थे। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे किसू है कि यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती सुबह 6 बजे के बाद, तो आपको ई रिक्शा ले करके वो पार्किंग वाले एरिया तक जाना पड़ता है। वही सेम अभी मैं आया हूँ, लगेज वगैरह लेके जो ई रिक्शा लेके आया हूँ उस पर लेके पहुँचूंगा पार्किंग तक, वहाँ टैक्सी पे, और फिर वहाँ से पहुँचूंगा भुवनेश्वर एयरपोर्ट। थोड़ा लेट हो चुका है पर लॉन्च भी जाना है, तो अभी जल्दी करते हैं और मैं आपसे गाड़ी में पहुँच के फिर बात करता हूँ, थोड़ा जल्दी करना है अभी। तो फाइनली हम लोग पुरी से निकल चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, मतलब ये 4 दिन मैं बोल सकता हूँ इतना मज़ेदार था ना। आप यहाँ पे आओगे तभी आप वो महसूस कर सकते हो। जल्दी से आप भी प्रोग्राम बनाओ और पुरी आ जाओ। काफ़ी मज़ेदार रहा जो ये 4 दिन बीते ना, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो अभी तो रिटर्न जा रहे हैं हम लोग। अगर आप वैसे यहाँ आना चाह रहे हो ना, तो आप ये जो सीरीज में 6 जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे ना जगन्नाथपुरी के, वो आप देखो। यहाँ आसपास में जो भी घूमने की जगह है ना वो मैंने कवर किया है। सिर्फ एक भुवनेश्वर रह गया, वहाँ पर लिंगराज टेम्पल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग वहाँ पर जाते हैं। हम लोग नहीं जा पाए, टाइम नहीं हो पाया, अगली बार जब भी आएंगे तो वो भी कवर करते हुए। फिलहाल तो 12:15 की फ़्लाइट है मेरी पटना तक के लिए और हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं। लॉन्च भी 11:15 में जो डिपार्चर गेट्स है ना वो भी क्लोज हो जाएंगे। लगभग 30-35 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे सीएनजी पंप पे रुके हुए थे। सीएनजी वाली गाड़ी का ये इशू रहता है टैक्सी में, जब भी आप आते हो आपको बाहर निकाल देंगे जब भी वो उसकी फिलिंग होगी। 1 घंटे की मेरी ये फ्लाइट रहने वाली है भुवनेश्वर टू पटना। वैसे तो जो बोर्डिंग पास है उस पर लिख के दिया हुआ है 1.5 घंटे का टाइमिंग, पर अगर ये 12:15 तक निकलेगी ना, 1:15 तक पक्का पटना छोड़ देगी, ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। बाकी पटना उतरने के बाद मुझे घर तक जाना है दरभंगा, मैं बाय रोड जाऊंगा। तो सबसे पहले तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, भूख बहुत जोड़ों की लग चुकी है। और जब मैं आ रहा था ना, मतलब पटना से जब मैं भुवनेश्वर आया था तभी पता कर लिया था लॉन्च वगैरह का। बस एक चीज़ मैं आपको ही बता देता हूँ, अगर आप कभी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लॉन्च यूज़ करना चाहते हो ना, यूजली क्या होता है कि जब आप सिक्योरिटी चेक करते हो बोर्डिंग पास लेने के बाद, जब आप सिक्योरिटी कर लेते हो उसके बाद लॉन्च आपको अवेल करना होता है। पर यहाँ क्या है, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से पहले ही है वो लॉन्च, तो ये एक इशू रहेगा। मतलब सिक्योरिटी के बाद, मतलब सिक्योरिटी में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो एक दिमाग में टेंशन बना हुआ रहेगा। लेट ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी खाना है और फिर फ्लाइट बोर्ड कर लेना है जल्दी से। बिल्कुल सामने मेरे है भुवनेश्वर एयरपोर्ट, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। कोणार्क टेम्पल वाला वीडियो जो आपने देखा होगा 1-2 एपिसोड पहले, वो बिल्कुल सामने बना हुआ है। ये एक एयरक्राफ्ट यहाँ बाहर में, और ठीक सामने देखो आप कोणार्क टेम्पल में, जो आपने व्हील्स देखे होंगे ना, बिल्कुल वही इस एयरपोर्ट पे बनाया हुआ है। 10-15 ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं एक बार लगेज ड्रॉप करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। लगेज वगैरह मैंने ड्रॉप कर दिया, ये रहा सिक्योरिटी चेक का एरिया। बस बिल्कुल इसके बगल में ना ये लॉन्च एसेस कर आपको करना होगा, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है। और बिल्कुल इस छोटे से रास्ते से होते हुए आपको लॉन्च पहुँचना है। बहुत ही छोटा सा है ये बर्ड लॉन्च, मतलब मुझे तो देखने में लग रहा है ये छोटा सा, पता नहीं इसमें कितने लोग आते होंगे, पर देखो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो भाई साहब मैं अंदर तो आ गया हूँ पर यहाँ खाने का कुछ भी नहीं है। ये ड्रिंक्स वगैरह हैं, पेप्सी पानी जूस मिल जाएगा आपको, बाकी इसमें कुछ भी फिलिंग नहीं किया है। तो अभी तो जो है, क्योंकि यूज़ तो कर लिया है क्रेडिट कार्ड का,
कुछ भी नहीं है, वाहियात सा है। मैं एक बार जल्दी से कुछ खा लेता हूँ और सिक्योरिटी करवाने के बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। ये आप देख लो एक बार क्या है यहाँ पे। लॉन्च के नाम पे ना बस बिल काटने के लिए यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मैं बाहर चाहता हूँ, सिक्योरिटी करवा के आपसे बात करता हूँ। अभी क्या होना कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे 10:15 में, इन्होंने बोला कि आप ये क्रेडिट कार्ड अपना दो, हमने वही दे दिया और हम लोग सब अंदर गए। पहुँचे अंदर, अंदर देखते हैं तो जो उसमें बना हुआ है ना बफेट वाला, वहाँ पे कुछ फिलिंग ही नहीं है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ था। वो उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो बोलते रह गए कि अब इसमें सर लंच आने वाला है, तो यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने बोला ठीक है फिर, तो लंच आप मंगवा दो यहाँ पे। तो उनका कहना था कि 11:30 बजे के बाद लंच सर्व करेंगे, उससे पहले। पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप लॉन्च में जाते हो तो वो आपसे बोर्डिंग पास मांगते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा था कि 11:15 में मेरे जो गेट्स हैं ना, बोर्डिंग गेट्स, वो बंद हो जाएंगे। तो भाई आप अंदर ही क्यों बुलाते हो, ब्रेकफास्ट बोल देते ख़त्म हो चुका है, मेरा वेस्ट नहीं होता एक बार का ये यूज़ करना। क्रेडिट कार्ड तो आपने स्वैप कर लिया यहाँ पे, तो ये एक इशू है। प्लस यहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं है, सिर्फ दो लोग हैं बाहर में, एक वो साफ़ सफाई करने के लिए, एक बिलिंग काउंटर पे, और बाकी सेफ भी मेरे हिसाब से एक ही होंगे यहाँ पे। तो अगर आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे आते हो ना लॉन्ज में, तो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये 2-3 घंटे में आपको कुछ खिलाएंगे, तो आप इतना पहले तो आओगे नहीं, बेटर है कि आप वेट करो किसी और शहर में जब जाओगे ना वहाँ यूज़ करें। यहाँ छोटू सा है एक तो पूरा ये बर्ड लॉन्च, ऊपर से कुछ खाने के लिए आपको नहीं मिलेगा, मतलब सर्विस भी वाहियात है। मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ अभी, 1 स्टार ही दूंगा इनको, अगर 0 होता ना तो वो भी दबा देता, पर वो है नहीं। चलो अब इनको छोड़ते हैं, जो लॉन्च है वो तो बेकार रहा, वाहियात रहा, कुछ खा भी नहीं पाए। तो अभी फ़्लाइट की भी टाइम हो गई, मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेट से पहुँचे, 10:30 के करीब में हम लोग अंदर इंटर हुए हैं। तो 45 मिनट्स ही थे मेरे पास, तो वो थोड़ा बहुत कुछ खाया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया था और फिर निकल चुके हैं। तो अब छोड़ो इनको लॉन्च वालों को, अभी चलते हैं, क्योंकि जो गेट था हमारा मतलब बोर्डिंग के लिए, वो भी चेंज हो चुका है, तो दूसरे गेट पे थोड़ा भाग के आना पड़ा। और फ्लाइट की टाइमिंग भी हो चुकी है, बाकी लोग शायद बैठ भी चुके हैं और मैं लास्ट में आ रहा हूँ, क्योंकि नाम भी अनाउंस कर रहे थे। तो जल्दी चलते हैं अंदर, पहले तो फ्लाइट के अंदर बैठते हैं और फिर आपसे मैं बात करता हूँ। बाकी ये देखो भुवनेश्वर तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही घूमते रह गए, एयरपोर्ट से ही आए थे, एयरपोर्ट पे ही आके ये भुवनेश्वर की ट्रिप जो है वो इतनी तक रही। बहुत जल्दी भुवनेश्वर आएंगे, यहाँ के जो फूड्स हैं वो भी ट्राई करेंगे, आसपास की जगह को भी घूमेंगे। एक बार आप ये देख लो व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, एयरक्राफ्ट बहुत सुंदर लग रहा था अभी, ये देखो पहाड़ से जो टेल है। मैं अंदर बैठता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। फ्लाइट में बैठ चुका हूँ मैं और बोर्डिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी थी, उसके बाद ही मैं इंटर हुआ था, तो अभी टेक ऑफ की तैयारी हो रही है। फाइनली हम टेक ऑफ करने वाले हैं उड़ीसा को इस ट्रिप के लिए, तो बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। फाइनली टेक ऑफ होने वाली है हमारी फ्लाइट। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, एक छोटा बच्चा आगे है सीट के और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, जो एयर होस्टेस है उन्होंने बोला था, पर फिर भी मदर ने ना फीड नहीं कराया। तो जब भी छोटे बच्चे के साथ आप ट्रैवल करते हो उसको फीड कराओ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, उसके कान में दर्द नहीं होगा। ये बहुत मतलब जनरल सी बात है, अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो, फ्लाइट लेते हो, तो ये ज़रूर ट्राई करके देखो, वो रोना बंद कर देगा। सबसे मज़ेदार जो रहा वो रहा टेंपल में दर्शन करना। दर्शन करने के बाद पूरी बीच पे भी एंजॉय किया, कोणार्क भी गए हुए थे घूमने के लिए, मैरीन ड्राइव को भी देखा, सैंड आर्ट म्यूजियम भी गए हुए थे। भुवनेश्वर को सिर्फ एयरपोर्ट से ही देखते रहे और फिर वापस जब हमें वापस आना था तभी पहुँचे थे भुवनेश्वर, तो वो कवर नहीं हो पाया। उड़ीसा बहुत ही मस्त जगह है, अगर आप उड़ीसा का प्लान करो ना, थोड़ा लंबा टाइम लेके जाना, अच्छे से घूम के आना। अगली बार मैं भी जब जाऊँगा वहाँ के अलग अलग फूड्स भी ट्राई करूँगा। इस वक्त मेरी फ़्लाइट जो है ना वो लैंड हो रही है पटना एयरपोर्ट पर, और 1 घंटे का सफ़र रहा, मज़ेदार सफ़र, ऑन टाइम। जब हम गए थे तब भी टाइमली गए हुए थे और अब जब पहुंच रहे हैं तो टाइमली पहुंचा दिया है, तो इंडिगो ने बहुत बेहतरीन काम किया, ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। एयरपोर्ट पे हम लोग फाइनली लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे तो आपको पता ही है इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है लैंड होने के लिए, जो रनवे है वो बहुत छोटा सा है। तो ये सीरीज पूरा कम्प्लीट हो चुका है, फाइनली यहाँ पर देखो आप एयरपोर्ट पर हम लोग पहुँच चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। ये रही हमारी फ़्लाइट जिससे हम आज आए हैं ट्रैवल करते हुए। बाकी अभी मैं जाता हूँ अपना लगेज पिक करता हूँ और ये सर्विस जो है ना जगन्नाथपुरी वाला वो यहाँ पे एंड हो रहा है। लगेज ये देखो अभी एयरक्राफ्ट से निकल के बेल्ट पे आने वाला है, यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही थी जो मैंने आपको दिखाया। मैं चलता हूँ बेल्ट के पास में सबसे पहले, तो यहाँ से ये व्यू ना बहुत बेहतरीन मुझे लगता है, कभी भी आप बोलो मुझे मैं पूरे दिन देखते रह सकता हूँ। तो इस पूरे सीरीज में बहुत मज़ा आया और आज इस वीडियो के साथ ये जो पूरा सीरीज है वो ख़त्म हो रहा है। मैं अपना लगेज लेता हूँ और आपसे फिर किसी और सीरीज में कुछ और खाते हुए कहीं और ज़रूर मिलूँगा। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। जय जगन्नाथ।